तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले एक मोबाइल गेमिंग फैन का रिव्यू। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो गेमिंग फैन है आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आपके मोबाइल को ये ठंडा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा कुछ जो है मैं आपको बताने वाला हूं फुल एकदम डिटेल में। इसके दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करने वाला आपने iPhone 12 को, और ये मेरा iPhone 12 है भाई साहब, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पूछो मत। इसलिए हमने मंगाया इस गेमिंग मोबाइल फ़ैन को। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट कर देते हैं टेम्परेचर वगैरह को, उसके बाद जो है गेम खेलेंगे, फिर एक चेक करेंगे, उसके बाद जो है इस गेमिंग फ़ैन को हम लगाएंगे और देखते हैं कि ये रिड्यूस कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका हम फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। दोस्तों ये मोबाइल गेमिंग कूलर आता है आर्कटिक कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे अगर देखेंगे सामने, इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी। इसका जो प्लास्टिक यूज किया गया है बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे जो इसका जो अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे इस टाइप से अगर आप इसको खींचते हैं, यहाँ पे जो है अपना मोबाइल को लगा सकते हैं। बाकी स्क्रू वगैरह से सारा कुछ टाइट किया गया है। यहाँ पे फिर जो है आपका यहाँ पे फैन है, और यहाँ पे जो अंदर बैटरी है दोस्तों वो 700 mAh का बैटरी है, जो कि अच्छा खासा अगर आप लेवल 1 पे इस्तेमाल करते हो तो जो है आपका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा 5 घंटे तक चलता है। अगर आप फुल स्पीड में इस्तेमाल करते हो तो आपका जो है 2 घंटे तक यहाँ पे बैटरी बैकअप देखता है मिलता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलता है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जो है आपको सिंगल स्पीड में यहाँ जो फैन जो है स्टार्ट हो जाता है, और एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बार और हो जाता है। एक बार और प्रेस करने के बाद यहाँ पे लेवल 3rd तक यहाँ चला जाता है, और लेवल 3rd में है हल्का सा यहाँ पे आपको जो नॉइज आपको सुनाई देगा, लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पे गेमिंग करके देखा है और जो जो दोस्तों से पूछ करके देखा है कुछ वहाँ पे नॉइज वगैरह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, नॉइज वगैरह वहाँ पे नहीं जाता है। तो इसका जो डिजाइन वगैरह है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सारा कुछ एकदम बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और जो मल्टी कलर यहाँ पे देख सकते हैं RGB लाइट जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल का लगता है। लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा था कि अगर एक सेटिंग यहाँ पे और होता कि इस लाइट को अगर हम ऑफ करना चाहें, अगर ये ऑफ हो जाता तो और जो है बैटरी बैकअप हमारा बच जाता, क्योंकि कभी कभी ये देखने में ही ठीक लगता है ना, लेकिन हमेशा ये जलता रहता है तो हल्का सा ये बैटरी बैकअप जो है कम आपका हो जाता है। अगर इसको बंद करने का रहता ऑप्शन तो और भी यहाँ पे बेटर हो सकता था। तो चलिए फटाक से जो है इसको हम चेक करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बैक का टेम्परेचर ले लेते हैं। बैक का टेम्परेचर हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 31.7 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम बैक यहाँ पे फ्रंट का बात करें तो यहाँ पे है 32.2 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम एक गेम खेल लेते हैं, लगभग 15 मिनट हम गेम खेलेंगे, उसके बाद देखेंगे चेक करेंगे कि कितना यहाँ पे हीट होता है, उसके बाद जो हम यहाँ पे फैन को लगाने वाले हैं। सो गाइस हमारा यहाँ पे 2 गेम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो है हीट भी हमें काफ़ी यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो चलिए फटाक से हम चेक कर लेते हैं, तो फ्रंट में हम देख लेते हैं कितना आता है। तो फ्रंट में आ रहा है 39.7 डिग्री सेल्सियस, तो जो कि काफ़ी यहाँ पे हीट हो चुका है। अब हम बैक साइड करते हैं कि बैक साइड हमारे यहाँ पे कितना गर्म हो चुका है। तो बैक साइड भाई साहब बहुत ज़्यादा है, 40.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है हीट हो चुका है। अब चलिए इस हम फैन को लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए इस तरह से जो है इसको लगा लेना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब इसको ऑन करते हैं, ऑन के लिए ये बटन दबाना है। तो अभी हम ये लेवल 3rd पे रखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कितना जल्दी, और ये गेम जो है हम कंटिन्यू खेलते रहेंगे, ठीक है, इसको हम बंद नहीं करने वाले, क्योंकि बंद करने बाद तो ऐसा ही ठंडा हो जाता है। तो गेम को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो चलिए गेम को जो है अभी कंटिन्यू रखते हैं, फिर से 2 गेम खेलते हैं, और 2 गेम खेलने के बाद जो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ठंडा हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कुछ नॉइज़ वगैरह यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा आप हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन इन गेम जो है साउंड किसी को नॉइज़ नहीं जाता है, ठीक है, और ये मैं अभी फुल पे खेल रहा हूँ।
सो गाइज फैन लगा करके हमारा दो गेम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर जो है डिक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे फैन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है और ना ही एसी का औकात है हमारा, तो एसी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। जो भी जितना लाइट वगैरह था, जो जैसे था, सब कुछ एकदम वैसा ही। अब जो हम फटाक से यहाँ पे चेक कर लेते, तो फ्रंट में हम लोग चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो फ्रंट में देख सकते हैं 37.9 आया है, और हम बैक साइड चेक कर लेते हैं कि बैक साइड यहाँ पे कितना आया है। तो बैक साइड है 37.5%। तो देखो यहाँ पे गिरावट तो अच्छा खासा आया है, यानी कि 2 से 2.5% का यहाँ पे जो है, मतलब कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का जो है यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ जो है लेने लायक ठीक है। और मैं एक चीज़ और भी नोटिस किया हूँ, और अभी नहीं, बाद में मैंने, पहले जब मैं इसको टेस्ट करा था तब मैं नोटिस किया था कि मेरा मोबाइल तो हीट हो जाता है पहले ही, ठीक है। और पता नहीं आईफोन 12 ऐसा क्यों होता है, आईफोन 13 भी शायद मैंने सुना है कि बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और अधिकतर लोग जो है ये गेमिंग फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ही यहाँ पे खेलते हैं, तो दिक्कत ये होता है। चलिए इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ब्राइटनेस जो है वहाँ पे लो हो जाता है हीट होने के कारण, लेकिन जब इस फ़ैन को हमने लगाया था उसके बाद जो ब्राइटनेस फिर से यहाँ पे जो है बढ़ गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आता है कि हाँ, सच में ये जो है थोड़ा सा कूल करता है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। और अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, और इसका लुक वगैरह तो है ही। हाँ, हल्का सा ये दिक्कत लगता है ना, जैसे अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो मेरा जो फिंगर्स वगैरह है पूरा ये यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, चला जाता था इधर जब मैं खेलता था। अब इसको जब मैं यहाँ से जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हल्का सा जो है ये दिक्कत कर रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बड़ा हाथ है, लंबा हाथ है, तो उंगली जो है वो थोड़ा सा चला जाता है उधर, तो वो टच होता रहता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। यूज टू होने में जो है हल्का सा आपको जो है टाइम लग सकता है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत ही कमाल का है, मात्र आपको ये 1000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, 1000 से नीचे भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं इसका कर रहा हूँ गिववे, और गिववे में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉर्मली आपको जो है कमेंट करना है, लाइक कर देना है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। और जो भी एक विनर होंगे, एक नहीं चलो दो विनर जो होंगे दोस्तों, उसको मैं 800 रुपये का अमेजन का कूपन गिववे करने वाला हूँ। उसके बाद जो ये चीज़ सिर्फ आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, तो इसको जो है परचेज करके आप लोग जो है इंजॉय कर सकते हैं, और अपने मोबाइल को जो है हल्का ठंडा कर सकते हैं, और गेमिंग का आनंद जो है अच्छे से आप उठा सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये गेमिंग फैन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा, हमारा रिव्यू कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो है हमने पूरा फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारा कुछ जो है हमने आपको क्लियरिटी से पूरा बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।